हेलो साथियों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चल रही है उसमें एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16। 6.3 का आपका ये लास्ट प्रश्न है कि आप इसे पूरा एंड तक और ध्यान से देखिएगा। 6.3 आज खत्म हो रहा है, ठीक है, क्लियर। चले आगे बढ़ें। चलिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर आपको हमारे ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि यदि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, ठीक है। AD और PM जो है क्या है, ये दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं, मीडियन है, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो सिद्ध करना है कि AB अपान PQ बराबर है AD अपान PM के। इसको इंग्लिश में मैं दिखाऊं तो आपको फिगर भी दिखाई पड़ेगा, ये साइड में आप फिगर भी देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, जो कि मैं अगर बनाऊं आप कहो तो वैसे कोई मतलब नहीं बना, है ना। जैसे आपका पिछले क्वेश्चन में चित्र था वैसे ही सेम टू सेम है, आप इसे देख लीजिए। इनका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पर हल लिखिए, लिखिए ट्रायंगल ABC। सी इंग्लिश वाले सब ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, या ऐसे आप समरूप का चिन्ह बनाएंगे जैसे भी बना सके, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो बना हुआ है कि कुछ ऐसे ही चिन्ह होता है, ठीक है, किसके है PQR के। मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दिया गया है, ब्रेकेट में लिखिए गिवन, PDM वाले लिख लें दिया है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो बच्चों, अगर कोई भी दो ट्रायंगल चित्र मैंने अभी आपको दिखाया, आपने देखा, अगर वो आपस में समरूप है यानी सिमेट्री है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, ये आप सबको पता है। तो मैं फिगर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान दें। अगर आप चित्र देख रहे हो समझो, जो AB है वो PQ के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, संगत भुजाएं भी हैं, संगत भुजाएं हैं ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ इससे केवल आपको चित्र देखना है बस, तो इसे हम लिख सकते हैं AB अपान PQ, ये बराबर हो जाएगा AB जो है उसके दूसरे वाले फिगर के PQ के समानुपाती। दूसरी साइड जो है आप अगर ले लो तो BC, नीचे वाला BC जो है वो QR के हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लिख देंगे QR, इस तरह से आपकी जो साइड है AC वो हो जाएगा PR के। ऐसा क्यों हो गया, कोष्ठक में लिख लीजिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमेट्री हैं, और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इस कारण से ये ऐसा हो गया। नीचे हम एक काम करेंगे, AB अपान PQ, अगर आप ध्यान दीजिए जो फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चित्र देखिए, अभी पीछे मत देखिए, वैसे बनाना ही पड़ेगा, मज़ा नहीं आ रही, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं जल्दी में बनाया हूँ टेढ़ा, ठीक है भैया, थोड़ा त्रिकोणा रहेगा ये, समझना यहाँ से थोड़ा, बिना चित्र बनाए समझ, हटाओ भाई, चलो ठीक है। मैंने इसको मान लीजिए कि बना लिया है, क्या है ये भैया, ABC है, हाँ, ये आपका PQR है, हाँ, थोड़ा समझना, इनकी जो माध्यिकाएं थी इसमें D थी और इसमें क्या था, यस था, क्या था माध्यिका, M था, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझना। हम एक काम कर सकते हैं, BC को आधा आधा कर सकते हैं, 1/2 BC कर सकते हैं, समझना थोड़ा, 1/2 BC और इसको 1/2 QR इक्वल AC अपान PR, थोड़ा समझना,
तो एक बटा दो और ये बी सी, यहाँ से समझना थोड़ा भाई। हम बी डी लिख सकते हैं कि भाई जो बी सी है ये पूरा, उसका आधा बी डी है ना, और डी सी भी है, तो चाहे तो हम इसकी जगह पे पूरे के बी डी लिख दें या डी सी लिख दें, लेकिन हमें अपना काम बनाना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे बी डी। इसी तरह से 1/2 QR की जगह पे हम इस क्यू एम लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इक्वल AC/PR, ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली, समीकरण नंबर एक हो। आगे देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमेट्री हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिया है क्वेश्चन में, आप ध्यान दो, अगर तो ये क्वेश्चन में दिया है ये दोनों क्या सिमेट्री है, अगर ये दोनों सिमेट्री है, ये जो एंगल है, जैसे एंगल बी ये एंगल क्यू के बराबर हो, बराबर होगा, आप सबको पता है ना करस्पॉन्डिंग एंगल ना, तो आप यहाँ से लिख एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, संगत कोण। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, यहाँ लिखिए संगत कोण, इस वाले लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, रीजन इसका ये है, इतना हो गया, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, इसे आप लिख लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, जल्दी करिए, मैं मिटा रहा हूँ, मिटा के अगला स्टेप दिखाऊंगा। हो गया, बस हो गया, खत्म, आंसर आ गया, एक लाइन और करना है। कितना आसान था, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसको जैसे दिया गया था हाफ किया, भाई हाफ में कर भी सकता हूँ, इनको अगर मैं 1/2 1/2 काट दूं तो फिर वही आ जाएगा। अब यहां से आपको इक्वेशन याद रखना है जो आए थे, ये ध्यान देना जो इक्वेशन मिले हैं नीचे, क्या दो इक्वेशन मिले हैं ना, आधा मिटा है आधा लिखा है, लेकिन आप अभी अभी देखे हो, आपको क्लियर है। इसमें काम कर सकते हो बेटा, और त्रिभुज ABD, अब ये त्रिभुज लो इतना बस, ये बीच वाला लाइन लो, और ये समझना ABD इसमें लेना है, इसमें, ठीक है, ABD ये त्रिभुज ए और त्रिभुज BQM जो आपका छोटा वाला बना है, कि हमने अभी अभी इनमें कुछ चीजें हल किया ना, इनमें भी हम इन दोनों एंगल को बराबर कर सकते हैं। कोष्ठक में लिखिए वाई क्वेश्चन इस समीकरण के माध्यम से, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, अभी तक जो मैंने दोनों एंगल बराबर किया था वो ABC और PQR के माध्यम से किया, लेकिन अब जो इन दोनों एंगल को हम बराबर दिखा रहे हैं वो सिर्फ इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुज में ले रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर दो के अकॉर्डिंग यहाँ संगत कोण है वो उसके लिए भी बराबर होंगे। नहीं दिक्कत, अगर इसमें कुछ भी समझ में आया तो बताना। तो इस तरह से बच्चा इसकी जो संगत भुजा है AB, अगर ये बराबर होंगे तो PQ के बराबर होगी कि नहीं, होगी ना, तो लिख लो, सॉरी बराबर नहीं मतलब समानुपाती, ये PQ हो जाएगा, तरह से इसका भी हो जाएगा आपका BD समानुपाती हो जाएगा, B और इसके QM हो जाएगी, हाँ क्या हो जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे लिखते चलिए फटाफट फटाफट लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ, 1 मिनट, अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, स्टेटमेंट क्या है इसका भाई, एकदम मस्त चल रहा है, ग्रीन है अभी, ठीक है। चलिए तो ये कैसे हो गया, इसको भी कोष्ठक में लिखो, बाई क्वेश्चन फर्स्ट, समीकरण एक के माध्यम से हम इसको ऐसा कर सकते हैं, अभी मैंने समीकरण एक में पूरा डिटेल बताया। अगर ये इतना है इस तरह से, तो हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC, सॉरी ABC नहीं ABD, हमें यही तो दिखाना था ना, ABD ये क्या है, समरूप है किस कम के, ठीक है, रिकॉर्ड में लिख लीजिए यस AS के द्वारा, यस AS, और अगर
क्वेश्चन फिर से देखो, फिर समझ में आए, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था करने को, मिनट समझ लीजिए, मैं हटा रहा हूँ। कह रहा था लास्ट में कि प्रूफ की करना है ए बी अपान पी इक्वल ए डी अपान पी एम है, ये सिद्ध करना है। हाँ क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे एक बार क्षण के लिए, 16 नंबर हटाऊं, चलिए ठीक ओके। तो अगर हमें ये सिद्ध करना है भैया, तो ये बहुत आसान है। जब ये चीज़ मिल गया तो फिर जैसे अभी संगत वाला आप लोग सीखे हो ना, ए बी अपान ये पी क्यू इक्वल, सारी कहानी वैसे ही हो जाएगी जैसे ए बी पी क्यू के बराबर है, उस तरह से आप इसे लिख सकते हो ए डी जो है वो क्या है पी एम के बराबर, सॉरी बराबर नहीं यार बार बार बोल रहा हूँ, बराबर होता तो बराबर लिखा जाता ना, समानुपाती प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं। देखिए हैंस सिद्धम अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, मैं स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं रोकता हूँ कि आपको ना दिखे, अगर मैं सामने आ जाऊँगा तो आपका छुप जाएगा कुछ। हाँ चलो लिख लो, तो इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना। एक्सरसाइज 6.3 खत्म होता है, अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए, ये अगर आप करेंगे तो आपको अगली क्लास भी मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत थैंक यू, कमेंट जरूर करना कुछ भी।